लेकर आ गई तुम ये? मुझे पूरे 1,00,000 रुपए दे रही है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो थोड़ी देर भी पानी में रहे तो बीमार पड़ जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जिसमें रिस्क ना हो वो चैलेंज ही कैसा। इसलिए आज 24 घंटे के लिए मैं रहने वाली हूँ एक छोटे से पूल में। इतने छोटे पूल में रहना तो इम्पॉसिबल है, जहाँ मुझे बहुत से टॉर्चर का सामना करके ये चैलेंज कम्प्लीट करना होगा। तो यहाँ आगे मेरे पूल में भरने के लिए पानी, चलो भरते हैं। और दिल्ली का टेम्परेचर है 43 डिग्री और इसलिए इसमें जो पानी डाला है वो इतना गर्म है कि इंसान की खाल उखड़ कर उसके हाथ में आ जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, चैलेंज है तो हम पूरा जरूर करेंगे। चलो इसमें बैठते हैं। यार ये इसमें गीजर का पानी डाल दिया, ऐसा लग रहा है बहुत बहुत तेज गर्म पानी आ रहा है। नहीं हो पा रहा है यार मेरे से। बस बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे ऐसे ही बैठना पड़ेगा, मैं अपने पैर ऐसे ऐसे नहीं फैला सकती हूँ। ये भगवान क्या जुलुम है। तो मैं आपको इसमें रहने के रूल्स बता देती हूँ। हम अपना हाथ पैर या बॉडी पूल से बाहर नहीं निकाल सकते। रूल नंबर 2, पूरे 24 घंटे में वॉशरूम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज कर सकती हूँ, जो कि मौका मैं अभी गंवाना नहीं चाहती, आराम से यूज करूंगी। रूल नंबर 3, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। इसका मतलब अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मुझे उसका बलिदान भी देना होगा। चलो पूल प्रवेश तो हमारा हो गया है, अब हम अपना चैलेंज भी स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बेबी को, बेबी तो नहीं कहेंगे लेकिन एक बच्ची को रखा गया है नहाने के लिए सबके सामने। चैलेंज शुरू होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और मुझे यहाँ पे बहुत बोर लग रहा है, बहुत ज्यादा। कुछ करने के लिए ही नहीं है, पानी में बैठ के पानी के साथ खेलूं क्या? अगले 24 घंटे पता नहीं मेरे कैसे बीतने वाले हैं। रुको जरा, सबर करो। तुम्हें ऐसा देखता और तड़पता हुआ तो मुझे मजा ही आ जाता है। तो कुत्ते का पिल्ला है। बताओ क्या चल रहा है? क्यों बताएं? एक सेकंड माइक देना अपना, माइक में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक्सचेंज करना पड़ेगा माइक। ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा मजे कर रही है, पर इसको मजे के लिए थोड़ी भेजा है यहाँ पे। चल ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नहा लो बेटा। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। अब रहो 24 घंटे, बहुत बुरी हो तुम। चुप कर बे कुत्ते। अभी इतना कम टाइम हुआ है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे ठंड लगना शुरू हो गई है, जबकि ये गर्म पानी है। लेकिन अब मैं पानी के अंदर मुझे आए हुए बहुत देर हो चुकी है और मुझे अब जो बिल्कुल नहाने टाइम ठंड लगती है वो हो रहा है बिल्कुल। मुझे लगा था कि ये छोटा पूल है तो मैं आराम से रह लूंगी, लेकिन ये छोटा पूल ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो इसके अंदर सही से बैठ भी नहीं पा रही यार। एक सेकंड, एक आइडिया मुझे मिल गया। ये देखो, मैं अपने पैर तो आराम से फैला सकती हूँ। ये लो, वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बोट में हूँ। गाइस ये जो भी आवाज आएगी ना, ये मेरी बहन की आवाज है जो वो पूरे टाइम निकालती है, स्पेशली मतलब हमेशा ही निकालती है। ये देखो, गाइस अभी सबलीन को हो गए है पूरे 2 घंटे अपने पूल में और अब तक उसको भूख तो बड़ी जोर की लग गई होगी, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ उसको ये खाना ऑफर करने। ये लो सबलीन, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें ये सारी चीजें चाहिए तो मैं तुम्हें पूरे 4 मीटर दूर से ये फेंकूंगी, अगर तुमने ये कैच कर लिया तो ये सारी चीजें तुम्हारी। बोलो मंजूर है? हाँ बिल्कुल, मैं कर लूंगी। और गाइस ये सारी चीजें दिख रही है ना, ये सब मेरी फेवरेट है, मैं इसको लेकर आऊंगी, देख लेना। तो अभी मैं सबसे पहले तुम्हें देने वाली हूँ ये मंच। स्टार्ट करो। तो इसके पूरे 3 राउंड होंगे। एक राउंड हो चुका है, इसमें 1 मिलना था, पर अभी इसमें तुम्हें मिलेंगे पूरे 3। एक भी नहीं आया क्योंकि 3 एक बार में दिया है, वो आ ही नहीं पाता यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, 1 मिला मुझे। अब है राउंड 3 और इसमें समरीन को मिलेगा पूरा 1 पैकेट चॉकलेट का। ये बहुत बड़ी चीज है, ये तो मेरे लिए मिल जाएगा। गाइस ये रूल के खिलाफ है, मैंने इसको पहले ही बोल दिया था कि पूल के बाहर हाथ पैर नहीं जाना चाहिए। कि समरीन ये चैलेंज हार चुकी है तो इसलिए ये सारी चीजें अब मेरी हुई। हाँ हाँ रखो रखो, मोटे मोटे लोग ऐसी चॉकलेट खाते थे ज्यादा, मैं तो भैया एक ही खाऊंगी, स्लिम एंड ट्रिम। स्लिम और ट्रिम, ट्रिम भले ही हाइट से स्लिम का पता नहीं। गजब बेइज्जती। जेल भी नहीं जाते, बताओ एक चॉकलेट का कैच नहीं कर पाई, कर दी दोनों की दोनों।
चैलेंज तो मैं कंप्लीट करके रहूंगी, यहाँ से अभी नहीं निकलने वाली, अभी इतना भी कुछ नहीं हो रहा है, इतनी जल्दी हार मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। तो गाइस जैसा कि बताया था कि समलिन की समय समय पे मांग डिमांड पूरी होती जाएगी, तो अभी तुम्हारा वक्त आ चुका है, वो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। क्या चाहिए मुझे? क्या मुझे सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ मेरा फोन लाकर दे दो, बहुत ज्यादा मैं बोर हो रही हूँ यहाँ पे, और एक फोन दे दो बस मेरे लिए काफी हो। अगर तुम्हें तुम्हारा फोन चाहिए तो तुम्हें अभी के अभी पूरे 1000 रुपए मेरे फोन पे करने होंगे। You are chalak bro. फोन तो मुझे देखो चाहिए ही चाहिए, तो 1000 रुपए मैं दे देती हूँ, लेकिन यार ये तो कर रही हो ना तुम मेरे साथ आज, बहुत गलत कर रही हो। एक दिन आएगा जब मैं इसका बदला लूंगी, कोई बात नहीं, ले लो 1000 रुपए, पैसे बहुत वो है ये लड़की, पैसे चोर। ठीक है तो अभी लेकर आती हूँ। तो ये रहा तुम्हारा फोन, जल्दी 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 जल्दी। Oh my God, guys, ये मुझे पूरे 1,00,000 रुपए दे रही है। भारी औकात तो सिर्फ इतने की है। पेटीएम करो। कर दिया। ओ वाह, आज इस लड़की ने बैठे बैठे 1000 रुपए कमा लिए। गाइज ये बिजनेस देख रहे हो आप, कहाँ से कमा रही है ये। गाइज मेरे पास उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, थैंक यू, और मैं तुम्हें अभी ये वापस नहीं करने वाली, क्या पता चैलेंज के बाद मुझसे लड़ वड़ के वापस ले लो। मत करना, बाहर में जाओ। यहाँ पर मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा था, ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं उठ पा रही थी, और ना मुझसे लेटा जा रहा था। गाइस मैंने अभी तक वॉशरूम यूज नहीं किया है, अब मुझे निकल जाना चाहिए, और इसमें से तो निकल पाऊंगी यार, थोड़ा तो मौका मिलेगा। अब तुम्हारे अच्छे दिन बिल्कुल जा चुके हैं, तो माइक हटा लो और पानी गिरवा लो। यार ये मुझे किस तरह गीला कर दिया है। यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए सोई, और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे हाथ और पैर कुछ ऐसे हो गए थे। मैंने इतनी देर तक ये सोचा ही नहीं कि मैं यहाँ पर बैठ भी सकती हूँ और खड़ी भी हो सकती हूँ। ऐसे बैठे बैठे तो मेरी हालत खराब हो गई थी, ऐसा अगर मैं 100 साल बाद खड़ी हुई हूँ, मेरी बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है यार। अब समझ आ रहा है कि ये चैलेंज बहुत ज्यादा मुश्किल है। अंडा लेकर, और इस अंडे को मैं तुम्हारे स्कूल में डालने वाली हूँ। मत करो यार ऐसे, मत करो, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए, जिसकी बदबू तुमसे सही नहीं जाएगी, और इस बदबू की वजह से तुम्हें निकलना पड़ेगा। नहीं यार मत करो यार, मेरे से नहीं बैठा जाएगा यार, ऐसी पानी इतना गंदा हो रहा है यहाँ पे का, मत करो ये। अंडा घूम के मेरे पास आ रहा है, पानी कितना गंदा हो गया यार, और ये अंडा और पानी ये सब मिक्स होकर बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, इसमें कैसे बैठूंगी मैं यार, इसको कोई हटा दो, मुझे बैठना है, कितनी देर तक खड़ी रहूं इस अंडे के साथ, स्कूल में रहना बहुत मुश्किल है। गाइस देख लो टाइम, अभी हो रहे हैं रात के 12, और अभी ये लड़की इस पूल में ही टिकी हुई है। मैं इतना बोल रही हूँ हट जा, और इसकी हालत खराब हो रही है चीख चीख के, पर ये हटने का नाम नहीं ले रही, पूरे रूम में पानी फैला दिया है। हालत तो तुम्हारी पंक्चर हो ही रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना थोड़ा और पंक्चर कर ली। मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज्यादा मुझसे नफरत हो जाएगी अभी ये करने के बाद, लेकिन क्या करूँ, उसको हराने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब इसके पूल में और तुम्हारे भी अंदर जाएगा, ये रूल के खिलाफ है, अगर डिस्क्वालीफाई नहीं डालोगी तुम मेरे में, नहीं डालोगी इसमें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्या हो जाएगा, ठंडा हो ही जाएगा ना, खड़ी हो और बहुत ज्यादा चलाकी कर रही हो ना, खड़े होकर ठंडा लग रहा है यार, सर पे मत करो, सर पे मत करो, मेरी मुश्किल तो और बढ़ती जा रही है। गंदा पानी बहुत ज्यादा हो चुका है, अंडा जाए भाड़ में, और अब तुम्हें तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिलीट हो गई है ये, रात के 3 बजे और अब तक तुम यही टिकी हो। यार मत करो ये, मत करो, छी मत करो, सांस लेगा है, डस्टबिन का छिलका है ये। यार छी, डस्टबिन से कैसे लेकर आ गई तुम, ये पूरा सर पे मेरे प्याज डाल दिया, मेरे से नहीं होगा। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब थी, लेकिन इस पूल में स्मेल इतनी बढ़ गई थी कि मैं रह ही नहीं पाती, फिर भी मैं खुश हूँ कि मैंने अपना पूरा दिन और आधी रात पूल में बिताया। अब आप लोग बताना कि मैं इस चैलेंज की विनर हूँ या नहीं।